गाइस, आज मेरी मम्मी बना रही है पोहा और आज उनकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, ये तेल है जो तेल पका रही है मम्मी। प्याज, टमाटर, मिर्ची सब चीज है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। और आज बना रही हूँ मैं पोहा, तो सोचा पोहा बना देता हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। मुझे नहीं याद था गाइस, और मैं सोचती रहती थी काश काश मेरी मम्मी मुझे पोहा बना के भेजती, तो मैं हमेशा काश पे ही अटकी रही। तो इसलिए मैंने अब खुद सीख लिया है पोहा बनाना। और एक तरफ मैं बनाऊँगी पोहा, एक तरफ मेरी चाय बन रही है। और गाइस, किस किस को पोहा पसंद है बताना मुझे। अब मैं अच्छा खासा पोहा बना लेती हूँ। अब मेरी चाय तो मैं तेज क्यों करा फिलिंग, चाय को छोड़ देते हैं सिलिम आँच पे। सॉरी गाइस, सिलिम बोल दिया मैंने, सिम को कम आँच पे आई थिंक। ये मिल्क है। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, चाय पीने के लिए चाय बहुत सुंदर बनाती हूँ। प्याज ऐड हो गया गाइस, एक तरफ चाय बन गई, एक तरफ प्याज ऐड हो गया। अब ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है मेरा। एक तरफ मैंने सिम आँच पे रख दी है टी, और ये प्याज ब्राउन हो रहा है। उसमें जाएगा भी टमाटर, मिर्च। एक तरफ मैंने ये पोहा रखा हुआ है, दूसरी तरफ प्याज ब्राउन हो रहा है गाइस। तो गाइस, ये ब्राउन हो चुकी है प्याज, इसमें डालूंगी मैं। वैसे हनी भी ऐड करते हैं गाइस, हमें हनी भी कम लगी हुई है, हनी भी ऐड करते हैं गाइस इसमें। पर हमें हनी भी कम लगी है, इसी वजह से हम हनी ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें मूँगफली। तो मैं डायरेक्ट सिंपल सा पोहा बना रही हूँ नाश्ते के लिए। टमाटर और मिर्च ऐड करके इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। नमक मैंने नमक ऐड कर दिया है गाइस, थोड़ी सी टेस्ट के लिए हींग भी डाल दूँ। हींग किसी में चैट कर दी भाई मैंने। थोड़ा कर दिया धनिया काट के लिए, काट के लिए मैंने थोड़ा धनिया ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, मैं पहले अच्छे से मसालों को पकाती हूँ गाइस, उसके बाद ही मैं इसमें पोहा ऐड करती हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। कई क्या होते हैं ना, नमक डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं, हो गया। मैं ऐसा नहीं करती, मैं मसाले डालती हूँ अपने स्वाद के लिए और फिर पकाती हूँ। फिर जाके मैं इसमें ऐड करती हूँ पोहा। और मसाले पकने लग गए हैं, मस्त अच्छे हो रहे हैं मसाले, पक रहे हैं अभी अच्छे से। और जब पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना पोहा। आ जाएगा जिसके पोहा खाना मेरे हाथ। एक तरफ टी भी बन रही है, टी पूरी तैयार होने वाली है टी। अब मैं तब तक पोहा धो लेती हूँ। ये रखा है पोहा, पोहे को जल्दी जल्दी धोना चाहिए ताकि पोहा ज़्यादा वो ना हो, गीला वो ना ख़राब हो जाता है। पोहे को मैं इतना टाइम ऐसे लगाती नहीं हूँ, पर हाथ थोड़ा। तो गाइस, इसमें मैंने अब कर दिया है पोहा ऐड।
आज मैंने फली नहीं डाली गाइस, किसी दिन जब मैं फली डालूंगी उसके बाद मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी पोहे की रेसिपी। ये उनके लिए जिन्हें सर्दी जुकाम लगी है, तो नॉर्मली ऐसे खा सकते हैं सर्दी जुकाम में, टेस्ट का टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये देखो गाइस एकदम आपका ये धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है मैंने अपने पोहे में, धनिया पत्ती भी ऐड हो गई है। मुझे बहुत पसंद है, हर दिन मैं सोचती थी कि कोई मुझे पोहा ला के देगा मैं खाऊंगी, काश कोई पोहा बनाता मुझे पसंद तो था पर मुझे बनाना नहीं आता था गाइस। अब मैं खुद पोहा बना लेती हूँ, मैं दम के अच्छे से खाती हूँ। तो गाइस देख लो किस किस को पोहा पसंद है, जरूर कमेंट करके बताना ठीक है। तो ये देखो गाइस मेरा पोहा फाइनली तैयार हो चुका है मेरा, देखो कितना अच्छा बना हुआ, कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक। तो बताना आपको कैसे लगा, एक तरफ टी बन गई एक तरफ पोहा। तो गाइस ये देखिए गर्मा गर्म पोहा रेडी हो चुका है, और चलिए गाइस ये रहा मेरा गर्मा गर्म पोहा, ये रेडी हो चुका है गर्मा गर्म पोहा, देती हूँ अपने बच्चे को। लो आर्यन बताना आपको कैसे लगा, कैसा है? थैंक यू। तो चलिए आर्यन को देते हैं टी, ये टी आर्यन के लिए, आर्यन लो आपकी टी। देखिए मेरा पोहा, ये रोटी और ये रहा आर्यन। कैसा आर्यन? थैंक यू गाइस, बताना आपको मेरा पोहा कैसे लगा। तो इसे सर्दी जुकाम में खाने के लिए बनाया था मैंने, क्योंकि इसमें मैंने फली ऐड नहीं की, फली ऐड करके मिक्सचर ऐड करके नमकीन होते हैं बारीक वाले उसे ऐड करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो ये मैंने सिंपल सा बनाया है। आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।